आज हम देखने वाले एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट जिसमें वो ये बात करे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होने वाला मुल्क आज कैसे पाकिस्तान को पीछे छोड़ के आगे जा चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है और बांग्लादेश की इकोनॉमी कहाँ पे, तो चलिए आज हम दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को देखेंगे और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करता है। आइए आज की वीडियो को करते शुरू। 75 साल पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 1975 में बांग्लादेश को पाकिस्तान की गुलामी के चंगुल से आजादी मिली। इसके बाद आज दोनों देशों की डेवलपमेंट में काफी अंतर आ चुका है। आंकड़ों पर गौर करें तो यकीन नहीं होता कि भाई ये कैसे संभव है, लेकिन यही सच्चाई है। आजादी के बाद आज बांग्लादेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम $2,227 है, जबकि जिससे वो आजाद हुआ था यानी पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम मात्र $1,543 है। जीडीपी की बात करें तो आज ये $411 अरब की इकोनॉमी बन चुका है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ और सिर्फ $347 अरब की है। ऐसे और भी कई मामले हैं जहां ये देश पाकिस्तान से आगे निकल गया है, लेकिन दोनों ही देश भारत से बहुत पीछे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर कैसे इतने कम रिसोर्सेज होने के बाद भी डेवलपमेंट के मामले में बांग्लादेश इतना आगे निकल गया। हाउ बांग्लादेश ओवरटुक पाकिस्तान, देखिए इसके लिए झांकना होगा हमें इतिहास के पन्नों में। तो लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद भारत को आजाद करने का निर्णय अंग्रेजों ने लिया, लेकिन इसने देश के दो टुकड़े कर दिए। एक देश भारत था तो दूसरा धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में था भारत। इस बंटवारे से पाकिस्तान के रूलर खुश नहीं थे। उनका कहना था कि हमें जो मिला है वो सड़ा हुआ हिस्सा है। उनका यही दुख नफरत में बदलने लगा और ये भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे। इन्हें लगा पहले बदला लेना चाहिए। अब बदले की भावना में इसने अपनी प्रोग्रेस को किनारे रख दिया, और ऐसे में इन्होंने अपने वेस्ट पाकिस्तान वाले एरिया में डेवलपमेंट का काम तो किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वाले एरिया में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया। साथ ही गवर्नमेंट के साथ साथ वेस्ट पाकिस्तान के लोग भी ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। आगे चलकर दिन प्रतिदिन दोनों हिस्सों के बीच सोशल और इकोनॉमिक अंतर बढ़ता चला गया। आजादी के लगभग 23 साल बीत जाने के बाद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग अलग देश की मांग करने लगे। इस मांग को दबाने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सोल्जर्स का सहारा लिया, और अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों और सोल्जर्स के बीच वायलेंस शुरू हो गई। इस वायलेंस से डरे हुए लोगों के अनुरोध पर मामले में भारत को इंटरफेरेंस करना पड़ा, जिसके बाद साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया, और इसके साथ ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। मुजीबुर रहमान यहां के पहले प्रेसिडेंट बने, और यहीं कहीं से बांग्लादेशियों के अंदर अपने डेवलपमेंट को लेकर एक नया विजन तैयार होने लगा। अब यहां से दोनों देश अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नया सफर शुरू करते हैं। पाकिस्तान अपने टूटने के बाद भी इस्लामिक देश की कॉन्सेप्ट पर कायम रहा, लेकिन बांग्लादेश ने सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम को चुना। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चला। कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश में भी इस्लाम धर्म को स्टेट रिलीजन के रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया गया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को समान चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, पॉलिटिक्स में आर्मी और रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरफेरेंस। साल 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बहुत डिफरेंस था, लेकिन 52 वर्षों के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन का कंपैरिजन किया जाए तो भाई बांग्लादेश कई एरियाज में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। अभी के समय में बांग्लादेश चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देश है। दूसरी ओर पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 5 देशों में भी शामिल नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश में वुमेन वर्कर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ये अपनी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल निभा रही हैं। बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर में 80% वर्कफोर्स महिलाएं हैं, जबकि मात्र 20% ही पुरुष वर्कर्स हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में गारमेंट सेक्टर में वर्कफोर्स में वुमेन केवल 10% है। इसके अलावा कुल फैक्ट्रियों में बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्रियों की संख्या भी बहुत अधिक है, और ये 30-40% के बीच है, जबकि पाकिस्तान में ये केवल 7% ही है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें अब तो बांग्लादेश की भाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी लगातार 12-13 वर्षों से 6% से अधिक बनी हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पिछले 10-12 वर्षों से 3-4 रेट के बीच ही है।
अभी अंतर लगभग डबल का है। कोरोना के समय तो दोस्तों पाकिस्तान में 2 साल तक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 1% से भी कम थी। इस अंतर पर बात करते हुए ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर आदिल मलिक ने यह कहा है कि साल 1990 में बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ओनली 0.2% थी। इसके बाद इसने भारत तथा विश्व से मदद मांगी। मदद मिलने के बाद इसने सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दिया और अपनी इकोनॉमी में सुधार करते रहा, जिस कारण से ये हर साल इसमें बढ़ोतरी होती चली गई और साल 2022 तक ये 6% के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो उसने केवल विदेशों से लोन लेने और भारत में टेररिज्म फैलाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जिसके कारण इसका ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया है। आज ये अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये आगे कहते हैं कि साल 1990 के आसपास बांग्लादेश ने जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का रास्ता पकड़ा वो आज तक जारी रहा। ऐसे में यहाँ की पर कैपिटा इनकम का ग्राफ भी लगातार ऊपर बढ़ता गया, जबकि पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होने के कारण इसकी पर कैपिटा इनकम का ग्राफ इससे नीचे चला गया। देखिए, पर कैपिटा इनकम पर बात करते हुए आदिल मलिक ने यह भी कहा कि बंटवारे के समय दोनों देशों की पर कैपिटा इनकम में भी भारी अंतर था। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार साल 1972 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम मात्र $90 थी, जबकि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $150 थी। जबकि आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2,227 है और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1,543। यानी इस मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया भाई। अगर फॉरेन ट्रेड के आंकड़ों के देखें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार साल 1972 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट मात्र $35 करोड़ था, जबकि उसी वर्ष पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बांग्लादेश से लगभग दोगुना $67.5 करोड़ था। लेकिन पिछले साल बांग्लादेश का एक्सपोर्ट तकरीबन $64 अरब रहा और इसकी तुलना में पाकिस्तान का कुल एक्सपोर्ट मात्र $35 अरब ही है। यानी यहाँ भी ये पिछड़ गया। दोनों देशों में पॉवर्टी रेट की तुलना करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर पिछले 2 decades की बात करें तो बांग्लादेश में पॉवर्टी रेट में भी काफी कमी आई है। यहाँ पॉवर्टी रेट 2016 में 13.47% थी और साल 2022 में ये रेट कम होकर 10.44% ही रह गई है। वहीं दूसरी ओर साल 2023 में पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 39.4% है, जबकि साल 2018 में पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 22% ही थी। यानी यहाँ पॉवर्टी रेट लगातार बढ़ रही है। देखिए, अब अगर दोनों देशों के बजट पर नजर डालें तो यहाँ भी बड़ा डिफरेंस आ गया है। पिछले 50 वर्षों में बांग्लादेश की इकोनॉमी 250 गुना बढ़ी ही है। साल 2023 से 24 के डेटा पर अगर नजर डालें तो बांग्लादेश का कुल बजट $71 अरब है और ग्रोथ रेट 7.5% है, जबकि इसी साल पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो ANI न्यूज के मुताबिक जून 2023 में बांग्लादेश के पास $31 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ $4 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था। पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद हैं, वो भी दूसरे देशों से मिला लोन ही था। आज दोनों देशों की इकोनॉमी के आकार में भी डिफरेंस आ गया है। देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी का आकार $454 अरब है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का आकार केवल $340 अरब ही है। ये अंतर लगभग $100 अरब का है। बांग्लादेश फिलहाल दुनिया की 33rd सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वही कई इकोनॉमिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि भाई साल 2030 तक बांग्लादेश की इकोनॉमी का आकार जो है करंट लेवल से डबल हो जाएगा। कभी लोन्स और ग्रांट्स पर 100% डिपेंडेंट रहने वाला बांग्लादेश का बजट आज सेल्फ सफिशिएंट बजट है। इसी से संबंधित bangladeshnews.com में पब्लिश्ड एक आर्टिकल में कहा गया है कि भाई हमारे देश ने बहुत प्रोग्रेस की है, क्योंकि आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है। आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान बांग्लादेश से 5 times पीछे रह गया है, जबकि पाकिस्तान एरिया में बांग्लादेश से 5 times बड़ा है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें अब तो यहाँ भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 23/1000 थी, जबकि पाकिस्तान में 54। बांग्लादेशियों की एवरेज एज 73 साल है, जबकि पाकिस्तानियों की एवरेज एज 67 साल ही है। प्राइमरी एजुकेशन में बांग्लादेश का रिकॉर्ड करीब 100% है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 44% है। बांग्लादेश के कंपैरिजन में पाकिस्तान हेल्थ के मेजर्स पर भी काफी पीछे है भाई। देखिए, पाकिस्तान अभी भी दुनिया के उन 2 देशों में शामिल है जहाँ पोलियो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2014 में ही बांग्लादेश को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। वहीं यूरोपियन एशियन फाउंडेशन की वेबसाइट पर पब्लिश डेटा के अनुसार दुनिया में जितने लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं, उनमें सबसे बड़ी आबादी पाकिस्तान में रहती है।
बांग्लादेश में केवल 7% लोग ही इस डिजीज के पीड़ित हैं। अब इन स्टैटिक्स को देखने के बाद पाकिस्तान के एक मिनिस्टर G.W. चौधरी अपनी बुक लास्ट डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान में लिखते हैं कि साल 1960 में वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम से 32% अधिक थी और अगले 10 वर्षों में यह अंतर बढ़कर 81% तक चला गया है। लेकिन आज उसका उल्टा हो गया है, यानी बांग्लादेश ने अपनी आजादी को सही साबित किया है। अगर दोनों देशों के जियोपॉलिटिकल व्यू को देखें तो भैया एशिया में पाकिस्तान की ज्योग्राफी इसके जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है, लेकिन इसने इसका यूज सिर्फ पावरफुल कंट्री से लोन लेने में किया है। वहीं बांग्लादेश की ज्योग्राफी भी इसके जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को बढ़ाता जरूर है और इसने इसका उपयोग इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए किया। बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स के कारण अगर भारत को ईस्ट एशिया से इकोनॉमिक रूप से जोड़ना है तो बांग्लादेश से गुड रिलेशंस जरूरी है। इसके साथ ही पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म और पुअर सिक्योरिटी अरेंजमेंट के कारण इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का पहिया रुक सा गया है। वहीं दूसरी ओर फॉरेन ट्रेड के एरिया में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। अगर अब भारत की बात करें तो भारत 3,730 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ दुनिया की फिफ्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि बांग्लादेश की इकोनॉमी का आकार सिर्फ 454 अरब डॉलर ही है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी भारत इससे आगे है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी 616.143 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि एक समय बांग्लादेश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बखान करता था, लेकिन अब उसके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आ गया है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का कुल एक्सपोर्ट 450.6 बिलियन डॉलर का है, जबकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट सिर्फ 55.55 बिलियन डॉलर का ही है। आज हर मामले में भारत इन दोनों से आगे है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मॉडर्न एजुकेशन को दिया है, जबकि इन दोनों देशों ने मॉडर्न एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। मॉडर्न एजुकेशन के कारण ही आज भारत का आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इनकम कर रहा है। जी हाँ, भारत में इंडियन आर्मी सिर्फ सरहद की रक्षा करते हैं और इनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जबकि पाकिस्तान में तो आर्मी ही सब कुछ करती है भैया। बहरहाल, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस मिल सकें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप सबको पता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी ज्यादा इकोनॉमी आगे जा रही है कि रिसेंटली टाइम के अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2023 के जून से लेकर दिसंबर 2023 तक बांग्लादेश ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की है, जिसमें एशिया के सबसे बड़े मुल्क चाइना को भी पीछे छोड़ दिया एक्सपोर्ट के मामले में, गारमेंट के एक्सपोर्ट के मामले में। तो पाकिस्तान तो इसकी लिस्ट में नहीं आता, और पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर की जगह बल्कि नीचे रही है। सिर्फ इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमें यह देखने को मिला कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, बल्कि जितने भी गवर्नमेंट इससे पहले या इसके बाद आए हम यही देखने को मिल रहा है पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है। इसके अलावा काफी सारे सेक्टर जो है बांग्लादेश के अंदर, जैसे कि गारमेंट सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर, ये सारों में बांग्लादेश काम करता है और बांग्लादेश इकोनॉमी आगे ग्रो होती हुई जा रही है। बांग्लादेश अगर एक्सपोर्ट करता है तो इनके एक्सपोर्ट के कपड़े हमें यूएसए और यूके के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर में अगर हम कपड़ों की बात करें तो एक्सपोर्ट में तो इन ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं, बल्कि बांग्लादेश के कपड़े पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और इंडिया के अंदर भी सेल होते हैं और लोग खरीदते हैं, क्योंकि इनके कपड़े काफी मजबूत होते हैं और एक ब्रांडेड कपड़े होते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग लेते हैं। जारा हो गया, अरमानी हो गया या बाकी सारी ब्रांड हो गए, इन सारों के काफी सारे बड़े ब्रांड कपड़े होते हैं वो बांग्लादेश के अंदर सिलते हैं, और जिसकी वजह से बांग्लादेश को अरबों रुपए का फायदा होता है, लोगों को भी फायदा होता है, जिसमें मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को फायदा, फिर मुल्क को इकोनॉमी देने वाले लोगों कंपनी को फायदा, और फिर पोर्ट से जाने वाले जहाजों को फायदा। तो सारे लोगों को फायदा होता है और उसके बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी आगे जाती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।